नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर रुपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले बिनौला खल से। रुपा जी, हमने बिनौला खल की कीमतों को एक कंसोलिडेशन जोन के बाद 3300 के ऊपर जाते हुए देखा था। कीमतें कुछ दिन तक 3300 के ऊपर सस्टेन थी, ठीक ठाक तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो बिनौला खल है फिर से 3000 के लेवल्स पर आ गया। अभी भी देख रहे हैं कि अप्रैल वायदा 3100 के ऊपर है, हल्की सी करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अभी भी तेजी दिखाने की ताकत रखता है? देखिए, अभी मुझे बिनौला खल में तेजी नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से नीचे में 3000 तक मार्केट लुढ़क सकता है, बिनौला खल में सेलिंग की जा सकती है और मुझे लगता है कि 3000 जो है एक अहम सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे में आपको 2800 का भी स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में फिलहाल जो रेंज दिखाई दे रही है वो 3260 तक एक बार अपसाइड हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे प्रेशर में लग रहा है। मैंने लगातार यही बोला है कि बिनौला खल में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की जा सकती है और अभी भी 3000 एक लेवल है नीचे का जो कि गिरावट के दौरान देखने को मिल सकता है। जी सिर्फ जी, बात करें अगर M6 कॉटन की तो M6 कॉटन में हमने 43,000 के ऊपर के लेवल्स देख लिए हैं। आज देख रहे हैं 42,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, हल्की सी मामूली सी करेक्शन है, लेकिन बाजार अभी भी अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर ही है, तेजी वाले जोन में ही है। तो इसी बीच आपको क्या लगता है, जो कॉटन है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है अभी हाल फिलहाल में अगर पोजिशनल बेसिस की बात की जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि कॉटन में अभी फिलहाल जो है वो तेजी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है और जो भी रैली बन रही है कुछ कुछ तेजी बन सकती है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर ह्यूज बाइंग अभी फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर है और फंडामेंटल नो डाउट सपोर्टिव है जिसकी वजह से ये कीमतें सस्टेन है और मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबिलिटी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा अभी तेजी दिखाई नहीं दे रही। जी ये सिर्फ जी, मसालों में क्या लगता है आपको, आज मसालों में इंट्राडे में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है? देखिए, मसालों में इंट्राडे में पॉजिटिव है और बाइंग देखने को मिल सकती है। आप देखिए, धनिया जो कल 11,000 के नीचे था आज 11,500 पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि धनिया में आज हो सकता है कि आपको इंट्राडे में 11,800 से 12,000 का स्तर देखने को मिले। वही जीरे में भी एक अच्छी रैली आई है, 21,800 के आसपास आज हमने ट्रेड होते हुए देखा, तो मुझे लगता है आज इंट्राडे में हो सकता है 22,000 का स्तर क्रॉस कर दे। और वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी एक उछाल एक्सपेक्टेड है और आज भी हमने देखा है कि 9,000 के ऊपर निकल चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 3.5% के आसपास की तेजी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि हल्दी आज ऊपर उसके सर्किट की तरफ जा सकती है और ऊपर में 9,200 का स्तर देखने को मिल सकता है। अखिलेश, मैंने हमेशा ही यही बताया है कि बेस मसालों के अंदर निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चलिए और आप देखिए आज हल्दी ने एक अच्छी रिकवरी दी है। 3600-3600 पर जो हल्दी लगातार ट्रेड करती दिखाई दे रही थी आज 9,000 के ऊपर निकल चुकी है। अब यहाँ से हल्दी हो सकता है कि आपको और अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई दे क्योंकि अब इन लेवल्स के ऊपर डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ सकती है, तो फिलहाल हल्दी, धनिया, जीरा तीनों ही कमोडिटी अच्छी है, तीनों ही कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं काफी शानदार तेजी बनती नजर आ रही है। ग्वार गम का प्रल वायदा देख रहे हैं कि तेजी की ओर है और 12,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3.5% की बढ़त है। वहीं ग्वार सीड का प्रल वायदा देख रहे हैं 6400 के ऊपर निकल चुका है 2% की बढ़त के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड, आपने जो लेवल्स दिए थे टारगेट अचीव हो गया है। ग्वार गम में आपने 12,000 का लेवल दिया था वो अचीव हो गया है और दूसरा आपने सीड की बात कही थी कि सीड में 6400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 6500 से पहले वो भी देखने को मिल चुके हैं। तो इसी बीच आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी करेक्शन बनेगी या फिर यहाँ से जो तेजी है वो अभी कंटिन्यूस रहेगी? देखिए, अभी तो फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और जैसे आज भी वहाँ पे 3% के ऊपर का उछाल दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार 12,800 से 13,200 का लेवल हो सकता है कि इसी स्तरों पर देखने को मिले और वहीं से अगर करेक्शन आई तो फिर नीचे में 10,000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट, तो फिलहाल ये रेंज रह सकती है। अभी प्रेस बाइंग तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बाइंग है उसको होल्ड कर सकते हैं, 12,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को आप कैरी करके फायदा के अंदर कर सकते हैं। जी ये सिर्फ जी, बात करें अगर सोयाबीन की तो US सोयाबीन वायदा देख रहे हैं काफी ज्यादा भारी गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर US सोयाबीन वायदा $1,700 से लुढ़क कर सीधे $1,600 तक आ गया, यानी कि $100 की लगभग करेक्शन बन चुकी है।
रूपा जी, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? जबकि देख रहे हैं ग्लोबल प्रोडक्शन सोयाबीन का कम रहने की उम्मीद है, ब्राजील अर्जेंटीना में भी प्रोडक्शन कम है, भारत में भी डिमांड है और सोयाबीन की कीमतें तेजी की ओर ही हैं, तो यूएस सोयाबीन वायदा क्यों गिरा हुआ है, वो क्यों लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जो विदेशी बाजारों में गिरावट आई है, दरअसल डिमांड जो है इन लेवल्स पर कम हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटीज के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते भी थोड़ा सा डिमांड इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से लगातार बाजारों के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वही मुझे लगता है कि ये प्रेशर शॉर्ट टर्म हो सकता है और ये गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है, शॉर्ट टर्म रैली है। और अगर इसी तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल देखे तो अपने हाई पर चल रहा था सोयाबीन यूएस के अंदर, तो वहां से करेक्शन दी थी और वो करेक्शन अभी फिलहाल मार्केट के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर गिरावट बनी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आगे चलकर उम्मीद की जा रही है कि बाजारों के अंदर तेजी बनी रह सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर सनफ्लावर ऑयल की और सीपीओ मतलब बाकी एडिबल ऑयल की, तो एडिबल ऑयल्स में क्या, आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि जो रशिया से तो इंडिया ने खरीद कर ली है सनफ्लावर ऑयल की ऊंची स्तर पर, 45,000 टन के लगभग खरीद की है, लेकिन उसको आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, अप्रैल के मिड या अप्रैल के एंड तक उसकी शिपमेंट आएगी। सीपीओ के दाम पहले से ही बढ़े हुए देख रहे हैं, सरसों की बंपर उत्पादन के बावजूद भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके कुछ संभावना बन रही है खाद्य तेलों में नरमी की, क्या आगे जाके कुछ नरमी बन सकती है या फिर आगे खाद्य तेलों में आगे और उछाल आएगा? देखिए, अभी की जो स्थिति है अखिलेश, अभी की स्थिति के को देखा जाए तो यहाँ पर अभी तेजी का ही रुझान है जो करंट स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूक्रेन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर का और वहां से जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि 25% की अप्रोक्सीमेटली सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने प्राइजेस के ऊपर सपोर्ट आता हुआ भी दिखाई दिया। और वहीं दूसरी तरफ हमने क्रूड के अंदर तेजी आती देखी, जिसकी वजह से भी कीमतों को सपोर्ट मिला, लेकिन अब क्रूड जो है ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, तो उसका भी एक असर है कि कीमतें थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं और इस वजह से बाजारों के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और $90 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड जो है वो सस्टेन कर सकता है, और $90 पर अगर क्रूड सस्टेन करता है तो आपको वापिस से बाजार जो है वो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर दलहन बाजार की, तो सरकार ने काफी सारे फैसले ले लिए हैं दालों के ऊपर, अगर दाल कारोबारियों की बात करें तो दलहन कारोबारियों की भी, उनको भी डर है कि आगे वो इसका व्यापार और करते हैं तो कहीं सरकार कुछ और फैसला ले ले, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है सरकार ने अरड़ और उड़द दाल का जो इंपोर्ट है उसको फ्री कैटेगरी में डाल दिया है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इनका इंपोर्ट किया जा सकेगा कितना भी, और ये मार्च 2023 तक के लिए किया गया है। इससे पहले सरकार ने ऐसा ही कुछ फैसला मूंग दाल के साथ लिया था, उससे पहले स्टॉक लिमिट लगी थी और उससे पहले आयात की चर्चाएं चल रही थी। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि किसान जो MSP चाह रहे हैं उनको तो वो MSP नहीं मिल पा रही है, बल्कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एज इट इज बरकरार बनी हुई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बाजार आगे तेजी वाला रहेगा या मंदी वाला? देखिए, जहां तक स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक अभी बाजारों में देखिए दालों के अंदर तेजी नहीं है, और जिस तरीके से अभी इंपोर्ट खोल दिया गया है और प्राइजेस को कंट्रोल करने की कोशिश है कि प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा तेज ना जाए, तो इसके चलते आप मान के चलिए कि दालों के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है, और मुझे लगता है कि चाहे वो चना हो, उड़द, उड़द सभी दालों के अंदर अब आने वाले दिनों में प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी, इनसे रूपा जी कैसे सीड की बात करें तो कैसे सीड में आपको क्या लगता है, कैसे सीड में आगे कैसे रुझान रह सकता है? जी, कैसे सीड में एक सीमित धारा है और वही सीमित धारा अभी बना रह सकता है, 7200 से 7400 की रेंज अभी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, तो इसी रेंज में फिलहाल बाजारों में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि अभी ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 7400 तक का स्तर बन सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स का देना चाहेंगी आप एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, एग्री कमोडिटीज में अखिलेश अभी तो मुझे लगता है कि मसाले ही एक ऐसी कमोडिटी है जिनमें एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है और इनके अंदर अभी पोटेंशियल बाकी है, तो मुझे लगता है कि हल्दी अच्छी हो सकती है, यहाँ से हल्दी, जीरा और धनिया तीनों भी कमोडिटीज के अंदर खरीदारी करके चला जाए। जी रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह कृषि जिनसों के लिए कैसा साबित हो सकता है, किन कृषि फसलों में आने वाले कारोबारी सप्ताह में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, आने वाले सप्ताह में भी अखिलेश लग रहा है कि एक ग्वार अच्छा जा सकता है, ग्वार के साथ साथ मसाले जो है वो अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं,
जिस तरीके का आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हम देख रहे हैं कि आज बाजारों में एक थोड़ी सी फिर से रौनक लौटी है और एक डिमांड पिकअप हुई है, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक ये तेजी बरकरार रह सकती है और मसालों में एक अच्छी रैली बन सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।